हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज इस लेक्चर में फास्ट रिवीजन। एक फास्ट रिवीजन मैं करवाऊंगा। बड़ी बात यह है, ये रिवीजन हैंड रिटन होगी, आप मेरे साथ लिख सकते हैं। किस चीज की रिवीजन है? कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 1, जिसे हम कहते हैं प्रिलिमिनरी, उसके अंदर से हम ले रहे हैं कंसेप्ट टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो बेसिकली कंपनीज एक्ट में टाइप्स ऑफ कंपनीज सेक्शन 2 में जनरली दे रखे हैं, जनरली कह लीजिए। बाकी कुछ एक सेक्शन अलग से हैं, उनके भी बात करेंगे तो पता होना चाहिए, सेक्शन नंबर 2 है। ये फास्ट रिवीजन रहेगी, बिल्कुल मेरे साथ लिखिए। और लेकिन उससे पहले हम लिखें एक हल्की सी चीज आपको जो पता होनी चाहिए, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं फटाफट एक मिनट में। देखिए, कंपनियां बहुत तरह की है भाई, दुनिया भर की कंपनियां हैं, राइट? तो पता ही होना चाहिए कंपनियों का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, जिसमें आता है ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक, निधि कंपनी। एक है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, अनलिमिटेड। एक है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, एक कंपनी का दूसरे पे कंट्रोल, जिसमें सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट, इन्वेस्टिंग कंपनी आता है एंड गवर्नमेंट कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग आता है लिस्टेड कंपनी मेनली कह लीजिए एंड अनलिस्टेड। अदर्स में बहुत कुछ है, सिंपली बॉडी कॉर्पोरेट, फॉरेन कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डोरमेंट कंपनी, इसका सेक्शन देखिए 455 है। सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल पर्पज के लिए कहते हैं, तो यहां सेक्शन 2 नहीं है, एक तरह से क्या हो गया जी, 8 हो गया, ये ध्यान रखें। स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप कंपनीज, तो दुनिया भर की इस तरह से कंपनीज हैं, ये पता होनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं टाइप्स ऑफ कंपनीज। जैसे मैंने कहा, एक आप बेसिस के हिसाब से जरूर लिखिए, पता भी होना चाहिए एज ए स्टूडेंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ कि हम ये लिख रहे हैं, चाहे फास्ट रिवीजन है लेकिन आपकी नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए। तो हम ले रहे हैं ये सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ, आप कह लीजिए नंबर ऑफ मेंबर्स, कि कंपनी में मेंबर्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 2, क्लॉज 62, जिसे हम कहते हैं ओपीसी, स्टैंड्स फॉर वन पर्सन कंपनी। देखिए, ये सेक्शन बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि ओपीसी क्या है, कि भैया यहां सिर्फ एक ही क्या होगा, मेंबर होगा, या यूं कह लीजिए टेक्निकली कहूं तो सिर्फ एक क्या होगा, पर्सन होगा। लेकिन इसके साथ में हम रेड विद करते हैं सेक्शन नंबर 3(1) क्लॉज नंबर सी, जो कि सेक्शन 3 ये कहता है ओपीसी क्या है। ओपीसी इज अ प्राइवेट कंपनी, ये एक प्राइवेट कंपनी होती है। जब सेक्शन 3 आ गए, ये पता होना चाहिए, ये चैप्टर 2 के अंदर आता है, जो डील करता है इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, और इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जो पता होने चाहिए, जिसमें से मेनली कह लीजिए, वैसे रूल नंबर 3 से लेके 7A तक है, तो यहां पे रूल नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रूल नंबर 3 जो बात करता है वो कहता है कि भैया इलिजिबिलिटी, कि माना एक मेंबर है तो कुछ एलिजिबिलिटी है, और ये एलिजिबिलिटी है किसके लिए, मेंबर एंड नॉमिनी के लिए, क्योंकि ओपीसी में आपको रखना पड़ता है एक नॉमिनी। तो भैया एलिजिबिलिटी में आती हैं चार बातें। पहली बात, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, नेचुरल पर्सन होने चाहिए। नंबर 2, ये माइनर नहीं होने चाहिए, जिसका मतलब हो गया ये उम्र होनी चाहिए इनकी 18 साल। नंबर 3, ये भारतीय क्या होने चाहिए, सिटीजन। नंबर 4, ये इंडियन क्या होने चाहिए, रेजिडेंट और नॉट, ये होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप रेजिडेंट देखते हैं तो उसका मतलब है स्टे होना चाहिए हिंदुस्तान में 120 दिन कब होना चाहिए, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पिछले साल के भीतर। देन इसी रूल नंबर 3 में देखिए कुछ इनके ऊपर रिस्ट्रेंट है, कुछ रोक लगी हुई है। ये रोक मेंबर एंड नॉमिनी पे भी है, साथ में ओपीसी पे भी है। रोक इस तरह से है कि मेंबर किसी और
ओपीसी में नहीं बन सकता क्या मेंबर, नॉमिनी कहीं नहीं बन सकता और नॉमिनी एक ही कंपनी में रहेंगे, लेकिन मेंबर क्या हो सकता है, कैन बी नॉमिनी किसी और कंपनी में, लेकिन अगर वहां का मेंबर मर जाए तो उसे क्या करना होगा, 180 डेज में एक ओपीसी छोड़नी पड़ेगी या यूं कह लीजिए कंप्लायंस करना होगा, क्योंकि आप एक ही कंपनी में रह सकते हैं। ओपीसी पे रोक है, ये बिजनेस नहीं कर सकती है, किस चीज का बिजनेस नहीं कर सकती है, ये नहीं काम कर सकती नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का काम नहीं कर सकती, ना ही ये इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज का काम कर सकती है, और ना ही ओपीसी एक सेक्शन 8 कंपनी जिसे हम कहते हैं चैरिटेबल वाली में, ना तो ये इनकॉर्पोरेट हो सकती है और ना ही ये इसके अंदर कन्वर्ट हो सकती है। रूल नंबर 4 बेसिकली ये कहता है, इस रूल नंबर 4 को रेड विद करना चाहिए, सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन 1 क्लॉज नंबर F, इसे हम कहते हैं सक्सेशन क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम, जिसका मतलब है कि ओपीसी में एक ही मेंबर है तो आपको अपना अपॉइंट करना पड़ेगा एक नॉमिनी। ये नॉमिनी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेंबर, कब बन जाएगा, अगर क्या हो जाए डेथ या फिर क्या हो जाए इनकैपेसिटी, किसकी, मेंबर किया, राइट। और ये जो नॉमिनी है इसे आप इसका देखिए बनने के लिए इसका एक रिटर्न कंसेंट भी लेना पड़ता है, और ये नॉमिनी चाहे तो ये नॉमिनेशन से विड्रॉ भी कर सकता है, और हम चाहें तो एज ए कंपनी या मेंबर इसे चेंज, डेल्टा लिखा मैंने, आप इसे चेंज वगैरह कर सकते हैं। इसकी जो कंसेंट वगैरह होती है ये INC 3 फॉर्म के अंदर ली जाती है, और ये चेंज चूंज हो जाए तो एक INC 4 नंबर का फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया जी ओपीसी। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68 में आता है आपका प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में बेसिकली अगर हम बात करें तो टोटल आती हैं 4 बातें, जिसमें से पहली बात है मिनिमम पीयूसी पेड अप कैपिटल एस में बी प्रेस्क्राइब्ड, मतलब कंपनी आप आज के दिन 1 रुपए से भी बना सकते हैं क्योंकि बताया नहीं गया है, लेकिन ये वो कंपनी है जो रिस्ट्रिक्शन लगाती है अपने किससे, आर्टिकल से, और ये है इसके ऊपर 3 रिस्ट्रिक्शन कि प्राइवेट कंपनी में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो मेंबर्स होंगे वो हो सकते हैं 200, लेकिन 200 की जब आपने करनी है काउंटिंग, इस काउंटिंग में ध्यान रखें आपने क्या करने हैं, एक्सक्लूड करने हैं, इस काउंटिंग में आपने नहीं लेना है, किसको नहीं लेना है, ज्वाइंट अगर मेंबर है उनको 2 नहीं लेना, 1 लेके चलना है, और अगर इंप्लॉई अगर ऐसे मेंबर है तो चाहे वो इंप्लॉई पास्ट हो या क्या हो प्रेजेंट हो आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे। इस कंपनी पे रोक है कि मेंबर्स अपने शेयर्स की क्या नहीं कर सकते, ट्रांसफरेबिलिटी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, और ये कंपनी प्रोस्पेक्टस अपना इशू नहीं कर सकती क्योंकि उसके ऊपर क्या है, एक प्रोहिबिशन है, एक पूरी तरह से रोक है। देयर आफ्टर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 71 में आता है आपका पब्लिक कंपनी। तो सिंपल सी बात है, वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, नॉट अ प्राइवेट कंपनी। नंबर 2 मिनिमम पीयूसी, अगेन इसके लिए क्या है, प्रेस्क्राइब की जा सकती है, तो आज के दिन आप 2 रुपए से भी ये कंपनी बना सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तीसरी आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट कंपनी जो कि क्या है, सब्सिडरी कंपनी अगर है, किसकी है, पब्लिक कंपनी की, तो ऐसी कंपनी को हम मान लेते हैं पब्लिक कंपनी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आप ना भूलें, ये प्रोविजो है इसकी क्लॉज बी के अंदर। देयर आफ्टर देखिए नंबर ऑफ मेंबर्स के मुताबिक ही अगर हम देखें तो आता है सेक्शन 2 में नहीं, सेक्शन नंबर 406 के अंदर, इसे हम कहते हैं निधि कंपनी। ये सेक्शन चेंज हो गया लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स ही है। निधि कंपनी को एक नाम हम और देते हैं, इसे कहते हैं MBS, जिसका मतलब है म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी। तो ये कंपनी बनती है, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है विद ऑब्जेक्ट
इसका ऑब्जेक्ट है कल्टीवेटिंग की एक भावना उत्पन्न करना, हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट जिसका मतलब होता है वाइज मैनेजमेंट ऑफ मनी एंड सेविंग, कि आप पैसे को बचाएं किसके अंदर, अमंग अपने मेंबर्स में। ये कंपनी बाहर वालों से डील नहीं करती, ये कंपनी क्या लेती है, रिसीव्स अपने मेंबर से डिपॉजिट और उन्हीं को लोन ये देती है। रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम देम एंड लैंडिंग टू देम, इसलिए इसको नाम दिया है म्यूचुअल बेनिफिट, उन्हीं के बेनिफिट के लिए। इस कंपनी में मिनिमम, ये ध्यान रखें, मिनिमम 200 मेंबर्स रखने होते हैं और ये कंपनी एक पब्लिक कंपनी होती है, ये प्राइवेट नहीं होती और इसमें मेंबर्स को सिर्फ ये कंपनी इशू करती है ओनली इक्विटी शेयर्स, दूसरे ये शेयर्स इशू कर ही नहीं सकती। इसके साथ एक चीज की आपको और नॉलेज होनी चाहिए, देखिए हम प्राइवेट कंपनी को कई तरह से बांट सकते हैं, ओपीसी एक प्राइवेट है, एक स्मॉल भी प्राइवेट है, स्टार्टअप भी है और पब्लिक कंपनी, ये पता होनी चाहिए कि निधि कंपनी भी एक पब्लिक है और प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी है पब्लिक की वो भी एक पब्लिक कंपनी, इस तरह से ये क्लासिफिकेशन हल्का सा ये भी पता होना चाहिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं स्टार्टअप कंपनी के बारे में। देखिए इसके अंदर आती हैं दो चीजें, स्टार्टअप कंपनी से रिलेटेड दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, वो ये हैं किससे रिलेटेड, स्टार्टअप का जो रुतबा दिया गया है ये है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये पूरा लिख सकते हैं DPIIT, और ये डिपार्टमेंट आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसने कहा है कि स्टार्टअप क्या होगी, पहली बात स्टार्टअप का आपको स्टेटस मिलेगा सिर्फ 10 ईयर्स, कहां से, जिस दिन कंपनी बन गई, COI का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसे मिल गया। ये जो कंपनी है डैट मीन्स 10 साल के बाद आप नॉर्मल कंपनी बन जाओगे, स्टार्टअप नहीं रहोगे, लेकिन एक कंडीशन ये है आपके टर्नओवर ज्यादा से ज्यादा हो सकती है 100 करोड़ रुपए की, डैट मीन्स टर्नओवर अगर क्रॉस होगी इससे ऊपर अब आप स्टार्टअप नहीं रहोगे। बड़ी बात ध्यान रखें, ये जैसे अभी मैंने चार्ट दिखाया था, ये क्या है, एक प्राइवेट कंपनी होती है। ये कंपनी बनती है किस कार्य के लिए, ये कंपनी बनती है इनोवेशन या इन्वेंशन कह लें, डेवलपमेंट वगैरह के लिए ये कंपनी बनती है। नंबर दो चीज इसके अंदर ये पता होना चाहिए, देखिए एक्सप्लेनेशन आती है किस चीज की, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 40 जिसके अंदर हम पढ़ते हैं डेफिनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। इस डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन में ये यही कहा गया है कि स्टार्टअप एक प्राइवेट कंपनी है और ये रिकॉग्नाइज्ड बाय है डिप, और यहां डिप अगर आपने पूरा लिखना है तो इसका मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल, जैसे हमने पहले कहा यहां था DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड, और यहां है एक अलग से डिपार्टमेंट ले लिया गया है डेट इज, तो भाई यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन डिप, और ये भी आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ही। इसके बाद कहानी बढ़ती है स्मॉल कंपनी पे जिसका सेक्शन है 2 क्लॉज नंबर 85। तो स्मॉल कंपनी क्या है, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है क्योंकि इसके अंदर बताया गया है ये अदर देन क्या है, ये अदर देन पब्लिक कंपनी है। इसके अंदर दो कंडीशंस हैं, ये याद रखें आप, एक आपकी पेड अप कैपिटल एंड ध्यान रखिएगा और नहीं है, बीच में वर्ड क्या है एंड है टर्नओवर, आपकी पेड अप कैपिटल जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सकती है 2 करोड़ की, जबकि सरकार चाहे तो ये लिमिट बढ़ा के 10 करोड़ कर सकती है, और टर्नओवर है आपकी मैक्सिमम
20 करोड़, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये लिमिट बढ़ा के 100 करोड़ तक कर सकती है। तो आप ध्यान रखें, बस ये दो लिमिट आपको 2 करोड़ और 20 करोड़ पता होनी चाहिए। और बड़ी बात इसमें आती है, इन कंपनियों को हम स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे, दैट इज नॉन एप्लीकेबिलिटी। ये है चार कंपनियां, एक आपकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एंड नंबर 3 सेक्शन 8 कंपनी, एंड नंबर 4 कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी स्पेशल एक्ट में क्या है, रजिस्टर्ड है। तो चाहे ये लिमिट्स लग जाएं, लेकिन हम उसको स्मॉल कंपनी नहीं मानेंगे, ये पक्का आपको पता हो। देन देयर आफ्टर देखिए, नेक्स्ट हम कंपनी ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कह लीजिए लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के मुताबिक कंपनियां किस प्रकार की हो सकती हैं। तो इसमें जैसे मैंने कहा, तीन तरह की कंपनी हो सकती हैं, एक लिमिटेड बाय गारंटी, नंबर 2 लिमिटेड बाय शेयर्स, एंड नंबर 3 हम इसे कहते हैं अनलिमिटेड कंपनी। इनके सेक्शन देखें तो ये है 2 क्लॉज 21, 22 एंड दिस वन इज 92। तो लाइबिलिटी एक क्लॉज है जो मेमोरेंडम में सेक्शन 4 में होती है, तो इसलिए इसके अंदर मेमोरेंडम के अंदर लिखा जाएगा कि मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, और ये कितनी लिमिटेड होगी, अप टू अमाउंट दे अंडरटेक टू कॉन्ट्रीब्यूट। जितना मेंबर मेमोरेंडम पे लिख के देंगे कि हम ये पैसा देंगे, लेकिन बड़ी बात ये ध्यान रखें, ये पैसा कब देंगे, एट इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप पे ही। और लिमिटेड बाय शेयर्स में अगेन ये है, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है और कितनी है, अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। और यहां आप पैसे कंपनी कभी भी ले सकती है। और अनलिमिटेड कंपनी में आपकी जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, और ये है अप टू डेट्स ऑफ कंपनी। और ये भी ध्यान रखिए, ये भी पैसे कब लिए जाते हैं, वाइंडिंग अप में ही लिए जाते हैं। देयर आफ्टर हम तीसरा क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, ये हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के हिसाब से। तो यहां पे जो कंपनियां आती हैं, सबसे पहले जो एक रिलेशन है, डेट इज 2 क्लॉज 87 में, जिसे हम कहते हैं सब्सिडरी कंपनी कह लीजिए या अकेला सब्सिडरी कह सकते हैं, क्योंकि ये सेक्शन बॉडी कॉर्पोरेट पे भी लगता है। और इस कंपनी का रिलेशन जो है ये बनता है सेक्शन 2 क्लॉज 46 में, जिसे हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी या होल्डिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भी सेक्शन बॉडी कॉर्पोरेट पे लगता है। तो सब्सिडरी और ये एक रिलेशन है, बस ये ध्यान रखें, ये इन रिलेशन टू अदर कंपनी, इन दोनों की डेफिनेशन में ही कॉमन वर्ड आता है। तो ये सब्सिडरी आप कब बनते हैं, सब्सिडरी आप तब बनते हैं अगर सब्सिडरी का कंट्रोल होल्डिंग के पास है, और ये कंट्रोल आपके पास आता है दो चीजों की वजह से। पहली चीज हम कहते हैं, या तो किसी कंपनी के पास आपका क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, कॉम्पोजिशन ऑफ बीओडी है, और जिसका मतलब है आपके पास अगर पावर है क्या करने की, अपॉइंट या रिमूव करने की डायरेक्टर्स, और कितने डायरेक्टर्स, चाहे तो सारे के सारे, लेकिन कम से कम क्या होने चाहिए, मेजॉरिटी, जिसे हम कहेंगे मोर देन 50%। या फिर ये कंट्रोल आपके पास आ सकता है अगर आपके पास आपके वोटिंग राइट होल्डिंग कंपनी ने ले रखे हैं, और ये वोटिंग राइट कितने ले रखे हैं, अगेन मोर देन 50% ले रखे हैं। कैसे ले रखे हैं ये पक्का पता होना चाहिए, या तो होल्डिंग ने खुद ले रखे हैं, या अपनी किसी सब्सिडरी के साथ ले रखे हैं, या एक से ज्यादा सब्सिडरीज के साथ में आपने ले रखे हैं, या इसे हम कहते हैं सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी, या फिर टू या मोर सब्सिडरी ने मिलकर अगर आपके शेयर्स ले रखे हैं। तो यहां पे एक बड़ी चीज और निकल के आती है, ज्यादा से ज्यादा सब्सिडरी के रूप में आप दो लेयर्स, कहने का मतलब है हॉरिजॉन्टल लेयर में दिक्कत नहीं होती, वर्टिकल लेयर्स पे एक लिमिट लगा रखी है कि ज्यादा से ज्यादा
दो ही लेयर्स होंगी, लेकिन इसके अंदर दो बातें हैं। एक तो है भैया ये लेयर्स का पॉइंट लगेगा ही नहीं, नंबर दो है कि यहां पे कुछ बेनिफिट आपको दिया गया है जिसे हम कह सकते हैं एक्सक्लूजन, नहीं लगेगा ये चार कंपनियों में नहीं लगेगा। एक कोड की सिंपल बता रहा हूं, बिंग, बी से है भैया आपकी बैंकिंग कंपनी, आई से है आपकी इंश्योरेंस कंपनी, एन से है एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जी से है आपका गवर्नमेंट कंपनी। और एक्सक्लूजन में दो चीजें आती हैं, अगर आपने की कोई सब्सिडरी है और ये सब्सिडरी कहां की है, हमारे देश की नहीं है, फॉरेन में इनकॉर्पोरेट है, और उस देश का लॉ क्या करता है, अलाउ करता है आप दो से ज्यादा रख सकते हैं, और हम लिमिट के अंदर नहीं लेंगे एक वॉस वन होली ऑन सब्सिडरी, जिसका मतलब है लगभग आपने उसके 100% शेयर्स ले रखे हैं। तो होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन तो सिंपल है, विच एक्सरसाइजेस होल्ड ओवर अनदर कंपनी विच इज व्हाट द सब्सिडरी कंपनी। इसी तरह से कंट्रोल के अंदर फर्दर जो कहानी आती है, ये अगेन एक रिलेशन आता है, और ये रिलेशन आता है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 6 में हम पढ़ते हैं एसोसिएट कंपनी, और इसका रिलेशन जिसके साथ बनता है उसे हम कहते हैं इन्वेस्टिंग कंपनी। इन्वेस्टिंग कंपनी का अपना अलग से सेक्शन नहीं है, ये बताया गया है एक्सप्लेनेशन किसकी, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 76, और उसकी फर्दर अगर सब क्लॉज कहूं तो ये है 8, उसमें बताया गया है। ये भी इन दोनों कंपनियों में क्या है, रिलेशन है। तो ये रिलेशन आपका कब बनता है, ये रिलेशन आपका बनता है भाई, इसके अंदर यूं कह सकते हैं तीन बातें आती हैं, मीन्स एंड इंक्लूड्स बट डज नॉट इंक्लूड, दैट इज डीएनआई डज नॉट इंक्लूड। तो मींस में कहता है अगर किसी और कंपनी के पास आपका क्या है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, किसी और कंपनी का आप में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और यह बताया गया ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस दो तरीके से हो सकता है। एक है कम से कम आपके 20% क्या ले रखे हैं, वोटिंग राइट किसी और कंपनी ने ले रखे हैं, या कोई और कंपनी आपके क्या ले रही है, बिजनेस डिसीजंस ले रही है। क्यों ले रही है, क्योंकि आपके बीच में इससे रिलेटेड एक क्या बना हुआ है, एग्रीमेंट बना हुआ है। एंड इंक्लूड्स में इसके अंदर आ जाएगा जी ज्वाइंट वेंचर, और ज्वाइंट वेंचर का मतलब है कि दोनों दो कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं, तो कह लीजिए दोनों का कंट्रोल है किसके ऊपर, ओवर जो भी आपकी अरेंजमेंट है, या उस अरेंजमेंट से रिलेटेड जो एसेट्स हैं। डज नॉट इंक्लूड में पक्का याद रखें सब्सिडरी कंपनी नहीं आएगा, क्योंकि अगर शेयर्स हो गए 50% से ज्यादा तो रिलेशन सब्सिडरी में कन्वर्ट हो जाएगा। देयर आफ्टर इसी कंट्रोल के मुताबिक बनता है क्लॉज नंबर 45 में हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी में भी दो बातें निकल के आती हैं, मीन्स एंड इंक्लूड्स। तो मीन्स के अंदर निकल के आता है कि भैया जब कम से कम ध्यान रखिए यहां पे 51% पीयूसी है, पेड अप कैपिटल, इक्विटी शेयर हो चाहे ये क्या हो प्रेफरेंस शेयर्स हो, ये पेड अप कैपिटल है किसके पास है, चाहे ये हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, चाहे ये हो स्टेट गवर्नमेंट के पास, या हो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास, या सेंट्रल प्लस स्टेट के पास हो, या सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट्स के पास हो, कोई भी कॉम्बिनेशन चलेगा, क्योंकि हर जगह वर्ड क्या है और है। लेकिन एक बड़ी चीज यहां ध्यान में ये रखें कि हम पेड अप कैपिटल वर्ड नहीं लेंगे, इसे हम चेंज करेंगे वोटिंग राइट से, अगर इफ डीवीआर इश्यूड, अगर कंपनी ने जारी कर रखे हैं डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले इक्विटी शेयर जारी किए हैं, एंड इंक्लूड्स सब्सिडरी ऑफ सच कंपनी, तो डैट मीन्स आगे सब्सिडरी भी है तो वो भी कहलाएगी आपकी गवर्नमेंट कंपनी ही। तो ये होगी तीन तरह की कैटेगराइजेशन। हम आगे बढ़ते हैं कहानी, ये है ऑन द बेसिस ऑफ, हम बात करेंगे लिस्टिंग के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग अगर हम देखते हैं तो भैया हमारे कोर्स में यहां आता है लिस्टेड कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 52 लिस्टेड कंपनी। तो नाम से ही पता चल रहा आपकी कोई भी सिक्योरिटीज अगर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, अ कंपनी हुज
एनी ऑफ सिक्योरिटीज, कोई भी सिक्योरिटीज क्या है, लिस्टेड है ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन यहां पे एक बड़ी चीज देखिएगा, वो है एक्सेप्शन, जिसका मतलब है हम आपको नहीं मानेंगे एक लिस्टेड कंपनी। तो यहां पे दो बातें हैं, पहली बात पब्लिक कंपनी से रिलेटेड है और दूसरी बात है प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड। पब्लिक कंपनी से रिलेटेड कंडीशन ये है, कब आपको लिस्टिंग नहीं मानेंगे, इफ इक्विटी शेयर अगर आपने लिस्ट नहीं किए हुए हैं, इक्विटी शेयर्स नहीं लिस्ट किए हुए हैं बट कहां नहीं लिस्ट किए हुए हैं, इन इंडिया, भारत में किसी स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन आपने क्या कर रखा है, बट लिस्टेड, ये चीज आपने लिस्टिंग करवा रखी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां हम आपको देने जा रहे हैं क्या एक्सेप्शन, हम आपको लिस्टेड कंपनी मानेंगे ही नहीं। तो इसके अंदर आती है बेटा जी तीन बातें। पहली बात है आपने नॉन कन्वर्टिबल, दैट मीन्स कन्वर्टिबल ना हो, नॉन कन्वर्टिबल, और सेकेंड पॉइंट भी सेम है, नॉन कन्वर्टिबल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, यहां है डेट सिक्योरिटीज अगर आपने इश्यू कर रखी है, और इधर वाले पॉइंट में है आपने जारी किए हुए हैं प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर जारी किए हुए हैं, और ये आपने इश्यू किए हैं ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, दैट मीन्स पब्लिक इश्यू नहीं है, इधर भी सेम आंसर है, और ये आपने इश्यू किए हैं एज पर सेबी रेगुलेशंस, सेम आंसर इधर भी है, तो हम आपको लिस्टेड नहीं मानेंगे। लेकिन इसके अंदर एक देखिए तीसरी चीज भी आती है, वो ये है अगर आपके इक्विटी शेयर्स हैं लिस्टेड हैं, लेकिन वो कहां लिस्टेड है, आउटसाइड इंडिया, भारत में नहीं है, हिंदुस्तान की ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, तब भी हम आपको लिस्टेड नहीं मानेंगे, और प्राइवेट कंपनी को भी लिस्टेड नहीं मानेंगे, उनका सिर्फ एक ही पॉइंट है, बस ये आंसर यहां पे एक पॉइंट है, ये कॉपी पेस्ट सिर्फ आप करेंगे। तो ये हो गया जी हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग के हिसाब से। नाउ अब देखिए और भी बहुत तरह की कंपनियां हैं, तो आइए जरा बात करते हैं। तो इसके बाद देखिए अगर मैं एक बेसिक सी चीज कहूं जो पता होनी चाहिए आपको, वो ये है, देखिए एक टर्म आता है कंपनी, एक टर्म आता है बॉडी कॉर्पोरेट, और एक टर्म आता है फॉरेन कंपनी। इन तीनों का आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस पक्का पता होना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं इसे वर्सेस, और ये आता है सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 20 में, ये आता है 2 क्लॉज नंबर 11 में, ये आता है क्लॉज नंबर 42 के अंदर। कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी का मतलब है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, सीओ में फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड है, और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी कॉर्पोरेट में ध्यान रखें यहां आती हैं दो बातें, पहली बात यह है कि डेफिनेशन मींस से नहीं स्टार्ट होती, ये स्टार्ट होती है एंड इंक्लूड से, और दूसरा हिस्सा है डज नॉट इंक्लूड, आपको बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे, तो इंक्लूड से स्टार्ट होती है देखिए, और इंक्लूड्स में आता है कि कोई कंपनी जो रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेटेड कह लीजिए, लेकिन कहां, आउटसाइड इंडिया, हिंदुस्तान में अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएंगे, लेकिन यहां आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहलाएंगे, दो बातें हैं, आप हैं रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, और नंबर दो है इसके अलावा एनी अदर जो कि क्या है, नोटिफाइड बाय सीजी हो, जिसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉरेन कंपनी में कहता है कि आप एक कंपनी हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो, और आप क्या हो, रजिस्टर्ड हो, नेचुरल है कहां, हिंदुस्तान के बाहर, लेकिन इसमें आती हैं दो चीजें कि ये कंपनी विच हैज, दो क्लॉजेस इसके अंदर आती हैं, और ये क्लॉजेस हैं कि भाई विच हैज क्या होना चाहिए आपका, ये पूरा लिख सकते हैं आप, द वर्ड इज प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया होना चाहिए, यह क्लॉज नंबर ए, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया होना चाहिए, और बिजनेस आप कैसे कर रहे हैं, इटसेल्फ कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं थ्रू एजेंट कर रहे हैं, आप बिजनेस चाहे फिजिकली कर रहे हैं या किससे कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर रहे हैं, और बीच में वर्ड है एंड, और आप क्या कर रहे हैं, कंडक्ट्स, आप कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस
एक्टिविटी कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं? स्वाभाविक है, इंडिया में कर रहे हैं, किसी भी तरीके से, इन एनी अदर मैनर, किसी भी तरीके से आप करें। हल्का सा यहां अगर आपको नॉलेज रहेगा इलेक्ट्रॉनिक मींस क्या होता है, इट विल बी गुड। जो कि बताया गया है रूल नंबर 21H के अंदर, और ये रूल किसके हैं, द कंपनी स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल रूल्स 2014 में। शॉर्ट में मैं लिखूंगा, जैसे पहला पॉइंट है डेट इज आप ये ट्रांजेक्शन, पहले पॉइंट से पहले एक चीज लिख दें कि इलेक्ट्रॉनिक से अगर आप कर रहे हैं, सर्वर हिंदुस्तान में हो ये जरूरी नहीं है, इन इंडिया और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ए, आप ट्रांजेक्शन कैसे कर रहे हैं, चाहे आप कर रहे हैं बिजनेस टू बिजनेस या कह लीजिए बिजनेस टू कंज्यूमर। नंबर दो, आप भारत में क्या इश्यू कर रहे हैं, सिक्योरिटीज या डिपॉजिट से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे कंपनी आप कहां की हैं, बाहर की हैं। नंबर तीन, आप अपनी फाइनेंशियल सेटलमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड से कर रहे हैं, सेटलमेंट्स। नंबर चार, आप किसी भी तरह से क्या दे रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज आप दे रहे हैं। ऑनलाइन में दुनिया भर की आप चीजें लिख सकते हैं, जैसे टेली मार्केटिंग, टेली कम्युनिकेशन, टेली मेडिसिन, कुछ भी हो। एंड लास्ट में किसी भी तरह की आप कोई भी कम्युनिकेशन सर्विसेज किसी भी तरीके से अगर आप कर रहे हैं, जैसे आप कह लीजिए ईमेल हो, क्लाउड हो, सोशल मीडिया हो, मतलब किसी भी तरीके से अगर आप ये चीजें कर रहे हैं, या मोबाइल वगैरह कह लीजिए, थोड़ा स्पेस मेरे पास कम है क्योंकि मैं एक पेज में आपको पूरी रिवीजन करवाने वाला हूं। तो ये हो गया जी इस तरह से। इसके बाद भी कुछ कंपनियां हमारी पेंडिंग रहती हैं, जिसमें से आता है एक, देखिए दिस इज क्वाइट नाइस, सेक्शन नंबर 8 कंपनी, जिसे हम कहते हैं ये कंपनी बनी है किस चीज के लिए, चैरिटेबल पर्पज एटसेट्रा, जिसे हम यू भी कहते हैं फिलेंथ्रोपिक पर्पज, समाज के कार्यों के लिए, आप इसे रिलीजियस कहें, स्पोर्ट्स कहें, मेडिकल कहें, कुछ भी समाज के लिए, ऐसी कंपनी को एक स्पेशल क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो कि उन्होंने डेलीगेट किया है आरओसी को। ये जो कंपनी है एक प्राइवेट या पब्लिक कंपनी है, बस इसका थोड़ा सा इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर हल्का सा डिफरेंट आ जाता है। वैसे तो देखिए फॉर्म वही है आपका INC, जिसे आप कहते हैं 32 स्पाइस फॉर्म, राइट, और लेकिन मेमोरेंडम के लिए यहां पे INC लगता है, 13 नाम से एक फॉर्म लगता है, द फॉर्म नंबर इज 13। और नो डाउट कंपनी बना रहे हो, फीस वगैरह तो आपके ऊपर लगेगी ही। देन ऐसी कंपनी बनाने के आपको दुनिया भर के बेनिफिट्स बताए गए हैं कि भाई साहब, पहला बेनिफिट ये आ जाता है आपको मिनिमम PUC नहीं चाहिए, मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं रिक्वायर्ड। आपको अपने नाम के साथ वर्ड, अगर आप पब्लिक हैं, लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है, या वर्ड क्या लगाने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, आपको इन सब से एग्जम्पशन दी जा रही है। बल्कि कोई पार्टनरशिप फर्म भी आपके यहां क्या बन सकती है, मेंबर, जबकि एक नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म की अलग से क्या नहीं होती, आइडेंटिटी नहीं होती। आपको मिनिमम डायरेक्टर जो कि रखने पड़ते हैं, एक दो या तीन, दो प्राइवेट में, एक OPC में, तीन पब्लिक कंपनी में, इसका टेंशन नहीं है। जनरल मीटिंग का देखिए नोटिस देना होता है सेक्शन 101 में 21 दिन का, लेकिन आपको बेनिफिट है, आप सिर्फ चाहे कितने दिन का दे दीजिए, 14 दिन का दे सकते हैं। लेकिन ये कुछ बेनिफिट भी हैं, तो आपके ऊपर देखिए कुछ रिस्ट्रेंट भी लगाए गए हैं, कुछ रोक भी लगाई गई हैं। भाई रिस्ट्रेंट ये है कि एक तो सबसे बड़ा ये आता है कि आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, प्रमोशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स के लिए ही करेंगे, तो एक डिविडेंड नहीं दे पाओगे। दूसरा, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल अगर आपने बदलने हैं, तो देखिए वो बदलना आसान नहीं है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से जाकर के इसके लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जो कि डेलीगेटेड टू RDB है, डेट इज रीजनल डायरेक्टर।
एंड देन आपको अपने नाम के साथ कुछ यूज करने हैं शब्द अपने नेम के साथ, और ये शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं एफ से फॉरम, एफ से ही आप कह सकते हैं फाउंडेशन, या एफ से ही आप कह सकते हैं फेडरेशन, चैम्बर, ट्रस्ट या इलेक्टोरल ट्रस्ट वगैरह, इस तरह के शब्द आपको अपने नाम के साथ इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे। बड़ी बात यह आती है कि जब आपने एक लाइसेंस लिया है, ये लाइसेंस आपका क्या किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। तो रिवोक कौन करेगा? अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन ये काम अगेन डेलीगेटेड है आरडी को। भाई कब करेंगे वो? नेचुरल है, अगर आपने लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस का क्या किया, वॉयलेशन किया, या फिर आप इसे यूं भी कह सकते हैं समाज के हित में, पब्लिक इंटरेस्ट में ही रिवोक किया जाएगा। और जब इसे रिवोक किया जाएगा, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस भैया खतरनाक हैं। जितने भी आपको ऊपर हमने बात करी है बेनिफिट, वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। डैट मीन्स अब आपको अपने नाम के साथ प्राइवेट या लिमिटेड वर्ड लगाना ही पड़ेगा। नंबर दो भाई, आपका ऑर्डर दिया जा सकता है एमलगमेशन का, कि आपको किसी और कंपनी के साथ अटैच कर दिया जाए, और एमलगमेट आपको किसके साथ किया जाएगा? अनदर सेक्शन 8 कंपनी के साथ। लेकिन ये कंपनी कौन सी होगी? जो सेम ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आप क्रिकेट से रिलेटेड एक क्लब है, तो दूसरी भी कौन सी होनी चाहिए? क्रिकेट से रिलेटेड होगी। नंबर तीन, आपका क्या दिया जा सकता है? वाइंडिंग अप का ऑर्डर दिया जा सकता है। वाइंडिंग अप में एसेट वगैरह बेचने के बाद अगर कुछ सरप्लस बचा है, तो ये सरप्लस दो चीजों में काम आएगा। एक, ये सरप्लस दिया जा सकता है, अगेन सेम आंसर है, अनदर सेक्शन 8 कंपनी जो सेम क्या कर रही है, ऑब्जेक्ट रन कर रही है, या ये पैसा ट्रांसफर कर दिया जा सकता है कहां पे? इनसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड में, जो कि है अंडर सेक्शन 224 ऑफ इनसॉल्वेंसी कोड के अंदर। देयर आफ्टर, तो इसके बाद बेटा जी एक कंपनी आती है हमारी सेक्शन नंबर 4555 के अंदर, जिसे हम कहते हैं डॉर्मेंट कंपनी, जिसका मतलब है ये कंपनी अभी कोई कार्य नहीं कर रही है। इसमें देखिए दो बातें निकल के आती हैं। ये आप एक कंपनी बना रहे हैं कि आप बना रहे हो, लेकिन आप पहले बता रहे हो हम काम करेंगे भविष्य में, कंपनी फॉर्म्ड फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, हम इसे कहते हैं फ्यूचर प्रोजेक्ट में, या ये कंपनी बनाई है होल्ड, खरीदने के लिए कोई एसेट कह लीजिए, या इसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह आप कह सकते हैं। नंबर दो, लेकिन इस कंपनी की क्या नहीं होनी चाहिए? एंड नो सैट, सैट आप पूरा लिख सकते हैं, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई कंपनी काम कर नहीं रही है। लेकिन यहां पे एक नेगेटिव लिस्ट बताई गई है कि भाई इस चीज को हम सैट नहीं मानेंगे, अदर देन, मतलब अगर ये ट्रांजेक्शन आपने करी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे देखिए एमसीए को कंपनी बनाते समय फीस देनी है, या किसी और लॉ के अंतर्गत आपने क्या देनी है, फीस देनी है, या आपको शेयर्स क्या करने होते हैं, अलॉट, क्योंकि कंपनी तो ही बनेगी। नंबर चार, अगर आप कोई ऑफिस मेंटेन कर रहे हैं, उसमें कोई चौकीदार वगैरह साफ सफाई के लिए रखा है, तो वो आप कर सकते हैं। दूसरी इसमें ऑप्शन ये आती है कि आपने कंपनी पहले तो काम कर रही थी, अब इनएक्टिव हो गई है, तो इसे हम नाम देते हैं इनएक्टिव कंपनी, जिसका मतलब हो गया आज के दिन आप कोई बिजनेस ऑपरेशंस नहीं कर रहे हैं, नो बिजनेस ऑपरेशंस, आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, या हम यूं कहते हैं पिछले 2 साल से आप डिफॉल्टर हुए पड़े हैं, मतलब आरओसी के पास आपने फाइलिंग नहीं करी। किस चीज की फाइलिंग नहीं करी? सेक्शन नंबर 92 के अंदर आता है एनुअल रिटर्न, और दूसरा है 137 में आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की आपने फाइलिंग नहीं करी है, और आज हो गए हैं इनको 2 साल हो गए, तो ये है डॉर्मेंट कंपनी। इसके बाद देखिए अलग से आप क्या लिख सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसे हम पढ़ते हैं 2 क्लॉज 39 में, एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 72 में। देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या क्या आता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आते हैं स्केड्यूल्ड बैंक,
जिसे हम कहते हैं स्केड्यूल्ड बैंक, जो आरबीआई बताता है, प्लस अदर्स जो आरबीआई ने क्या किए हैं, नोटिफाई किए हैं, और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसका मतलब है सरकारी वित्तीय संस्थान, जिसके अंदर आती हैं पांच चीजें। नंबर वन LIC, नंबर टू IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, नंबर तीन UTI, नंबर चार पुराने कंपनीज एक्ट में अंडर सेक्शन 4A में कुछ इंस्टीट्यूशंस बताए गए थे ये 1956 के अंदर। एंड नंबर पांच यहां इंटरेस्टिंग है कि पांच में है या तो आप किसी स्पेशल एक्ट में क्या है रजिस्टर्ड हैं, या फिर यूं कह लीजिए जैसे हमने गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा कि कम से कम 51% आपकी PUC किसके पास है, विद गवर्नमेंट है। तो इसके साथ सो स्टूडेंट्स इट्स ऑन योर स्क्रीन इन वन पेज I have completed the entire type of companies and covering almost the entire law. ऐसा नहीं कि मैंने कोई शॉर्टकट में लिख के दिया हो। होप सो इससे आपको एडवांटेज मिलेगा। गुड लक, गॉड ब्लेस।